जसप्रीत, विमल कुमार इस दिस साइड, आपसे करीब 6 साल पहले बात हुई थी जब पहली बार आप इंडियन टीम में आए थे, और तब से लेके अभी तक एक ही चीज़ देख रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है। तभी आप यंगस्टर थे, नहीं खेले थे, वो कॉन्फिडेंस जो था वही बरकरार आ रहा है, आप कभी भी बहे नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं? सर देखिए, मेरे को 6 साल पहले क्या बोला था मेरे को याद तो है नहीं, बट ये बात है कि मैं प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल आवाज़ बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉइज़ आपके दिमाग में आ सकती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एज अ प्लेयर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इवेल्यूएशन पे ध्यान रखूँ, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखूँ, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँ। अगर मैंने सब बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, मैंने मेहनत पूरी की हुई है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी है, फिटनेस अच्छी रखी है, अपने प्रोसेसेस जो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं ये मेंटेन करूँ, तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है क्रिकेट। चलिए, नॉइज़ की बात नहीं करते हैं, कई बार हम लोग इंडियन मीडिया में तो बह जाते हैं, बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन नासिर हुसैन, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, वेरी रिस्पेक्टेड है, उन्होंने अभी कमेंट्री बॉक्स में कहा, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट में बेस्ट बॉलर है, अगर कोई है कौन चैलेंज कर सकता है। उन्होंने जोश हेजलवुड का नाम लिया, उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, उन्होंने कहा मे बी पैट कमिंस। जसप्रीत बुमराह से ये सवाल, मतलब जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो फिर आप कहाँ से देखते हैं? डू यू कंसीडर कि ऑल फॉर्मेट में कोई अभी आपको चैलेंज नहीं कर सकता इस फॉर्मेट में? सी, वही मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों में, अच्छा आज अच्छा दिन गया है, बहुत सारी तारीफ आती है, बट मैं ना तारीफों से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ना अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता हूँ। यस, आज अच्छा दिन है, बट मैं ऐसे सब नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये फॉर्मेट में। मैं हर फॉर्मेट को बहुत इन्जॉय करता हूँ, एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं, मैं ऑब्वियसली लोग जो बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं वो सीरियसली लेता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। वेरी ग्रेटफुल फॉर द अप्लॉज दैट यू गेट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्टेबल हेड, एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज डू। चलिए, आपके बारे में नहीं बात करेंगे, बॉलिंग अटैक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शमी और आपका जो रिकॉर्ड है, जो 100 विकेट जो लिए हैं वनडे, जो सबसे तेजी एवरेज के टर्म्स में, स्ट्राइक रेट के टर्म में, वो इंडिया की तरफ से बेस्ट है, एंड दोज हैव कम इन द बैटिंग एरा जिसको कह रहे हैं। तो एज ए शमी के साथ जो आपकी पेयर है और आप लोग इस तरह से बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में, तो एज ए पेयर कितना हेल्प होता है? क्योंकि आप तो विकेट ले रहे हैं, नॉर्मली होता है दूसरे एंड पे कोई इकोनॉमी डाल रहा है, तो क्या यही इरादा होता है कि नहीं दोनों तरफ से भी तलवार दोनों तरफ से चलानी है? बहुत कम्युनिकेशन चलता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज आज जैसे उन्होंने पहली ओवर डाली, फिर मैंने ओवर पहली ओवर डाली, तो हम लोग बात करने लगे कि अब यूजुअली वाइट बॉल क्रिकेट में बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता है, तो हम लोग आज स्विंग हो रहा है तो उसको क्या करना है हमको बेस्ट पोजीशन टीम में लाने के लिए। एंड वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो मेरे से पहले भी खेल रहे, तो मैं उनसे बात भी करते रहता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर मैं कुछ कर पाऊँ, या मुझे कुछ दिखता है कि वो ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो एक पेयर जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत अच्छी बात है, बहुत स्किलफुल बॉलर है एंड काफ़ी साल से इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे, तो उनके साथ खेल के हमेशा मज़ा आता है चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये एक्सपीरियंस है, वो बहुत बताते भी हैं कि गेम में क्या क्या करना है। तो हमारी जो बीच में कॉन्वर्जेशन होती है कि अच्छा ये विकेट आज फ्लैट है, तो हमको टीम को बेस्ट सिनेरियो में लाने के लिए क्या क्या करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मज़ा आता है उनके साथ बॉल डालने का जब भी मौका मिलता है, एंड बहुत स्किलफुल बॉलर, उनके परफॉर्मेंस उनके बारे में कहते ही हैं बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू जसप्रीत।